तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील BSL के बारे में, जो एक टाटा स्टील का सब्सिडियरी कंपनी है। और ये इसका टारगेट बताएंगे क्या जाएगा, और आप अभी क्या आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। आज देखिए इसका चार्ट देखते हैं। देखिए आज 89 पे खुला था और एक गया है 92, ठीक है, 3 रुपये। इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 99 रुपीज, उसके बाद रहेगा देखिए ये वाला 108 रहेगा इसका नेक्स्ट टारगेट। इसका और एक गुड न्यूज है कि ये अभी इसका जो मैनेजरल लेवल में इसका कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो न्यूज क्या है। इसका नेक्स्ट टारगेट लेकिन रहेगा 108, ठीक है, जान लीजिए। और मैं दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाटा स्टील BSL अपॉइंट प्रतीक चटर्जी एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एज ए संजीव नंदा एग्जिस टू टेक अप ए रोल एट टाटा स्टील। चटर्जी हैज सक्सेस फ्रॉम संजीव नंदा हु हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द रोल टू टेक अप ए रोल एट द पेरेंट कंपनी टाटा स्टील। टाटा स्टील BSL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक चटर्जी एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड ए की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। चटर्जी हैज सक्सेस फ्रॉम संजीव नंदा हु हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द रोल टू टेक अप ए रोल एट द पेरेंट कंपनी टाटा स्टील। चटर्जी जी ज्वाइन द टाटा स्टील ग्रुप इन 2001 एंड ही वर्क इन वेरियस टाटा स्टील ग्रुप कंपनी सच एज टाटा रेयनसन JV बिटवीन टाटा स्टील निपोन स्टील एंड सोमबिसोन मेटल। जो चटर्जी है ये बहुत सारी कंपनी में ज्वाइन किए हैं इसका, ठीक है, बोल रहा है। तो इसके लिए शेयर अभी ऊपर दौड़ेगा क्योंकि अभी ये चेंज हो रहे हैं, इसका फाइनेंशियल जो ये है ऑफिसर है, ठीक है। और चलो देखते हैं इसका डिटेल्स, मार्केट कैप क्या है कंपनी का, क्योंकि ये भूषण को एक्वायर किया है टाटा स्टील। ये टाटा स्टील BSL जो है ये भूषण, पहले भूषण था, भूषण को ये एक्वायर किया है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है, चलो चलते हैं स्क्रीनर पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसका स्क्रीनर पे, देखते हैं डिटेल्स क्या है, टाटा स्टील क्या बोल रहा है टाटा स्टील BSL के बारे में। टाटा स्टील BSL लिमिटेड इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन स्टील इंडस्ट्री बैक्ड विथ मोर देन 27 ईयर एक्सपीरियंस। इट इज़ नाउ इंडियस थर्ड लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन कंपनी विद एन एग्जिस्टिंग स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 5.6 मिलियन टन पर एनुअल। और इन 2018 द टाटा स्टील एक्वायर द टाटा स्टील BSL लिमिटेड, मतलब भूषण स्टील लिमिटेड, ये भूषण स्टील बोला था ना एक्वायर किया है, तो इट्स होली ओन सब्सिडरी बमिनफॉल स्टील लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9950 करोड़, करंट प्राइस 91 है, और इसका 19.1 गया था लो, हाई गया था 110, ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। और चलो देखते हैं इसका क्वार्टर प्रॉफिट क्या है। जून 2018 में इसका क्वार्टर प्रॉफिट नेट था देखिए 2104 करोड़, उसके बाद देखिए ये फिर माइनस आया दिसंबर 19 में, देखिए 500 करोड़ माइनस आया, माइनस 502 करोड़, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जून 2020 में माइनस 650 करोड़, उसके बाद पॉजिटिव आया देखिए कब से, ये सितंबर 2020 को 342 करोड़, उसके बाद 913 करोड़, उसके बाद 1913 करोड़ आया ये मार्च 2021 को। इसका जून क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर अभी आने वाला है, नहीं आया, ठीक है। कंपनी ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिट आया है। और इसका देखिए क्या है, प्रमोटर
सितंबर 2018 में 72.65 थे, अभी भी वही सेम है। प्रमोटर अभी एक भी प्रमोटर नहीं हिले इसमें, हटे नहीं। एफ आई एस का 0.04 था, अभी 0.74। एफ आई एस का इंक्रीज हुआ है। डी आई एस का भी 11.24 था, अभी 4.59। अभी थोड़ा डी आई एस का घटा है 50%, ठीक है। पब्लिक 15% था, अभी 22%। बहुत ज़बरदस्त है शेयर, अभी मौका है, खरीद लो। ये 150-200 जाएगा, क्योंकि टाटा स्टील का सब्सिडरी है। टाटा स्टील दौड़ेगा तो ये भी दौड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छा शेयर है, आप 100-200 खरीद के रख लो, ठीक है। और जो भी न्यू व्यूअर हो, न्यू चैनल को देख रहे हो, वो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। रखता हूँ, बाय।